नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काम की खबर, 100 रुपए सस्ता मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने दिया तोहफा। पीएम मोदी ने लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इंदौर की 34 कॉलोनियां तीसरे चरण में होंगी वैध। नगर निगम ने दावे आपत्तियां बुलाई। दो अलग अलग चरण में 100 से ज्यादा कॉलोनियों को वैध घोषित करने के बाद अब नगर निगम तीसरे चरण में 34 कॉलोनियों को वैध करने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने दावे आपत्तियां बुलवाई हैं। गौरतलब है कि शासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने बड़े पैमाने पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बसी अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया था। इस दौरान अवैध कॉलोनियों को लेकर तमाम जानकारियां एकत्रित की गई। इसके बाद 34 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए चयनित किया गया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक कॉलोनियों को वैध करने के लिए लेआउट प्लान से लेकर कई तैयारी की जा रही है। कुछ माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस सूची में कई कॉलोनियां 29 गांवों के अंतर्गत शहरी सीमा में शामिल हुए क्षेत्रों की भी हैं। बिना बिल का सोना 2000 सस्ता, बढ़ रही तस्करी के सोने की मांग। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर सोने की तस्करी पकड़ने की मामले आम होते जा रहे हैं। चार महीनों में ही कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट इंदौर एयरपोर्ट से करीब 3.5 किलो सोना बरामद कर चुकी है। न केवल विदेश में भारत के मुकाबले सोने के कम दाम, बल्कि देश में उस पर लगने वाला भारी कर भी तस्करी को बल दे रहा है। इंदौर के बाजार में ही बिना टैक्स के सोना 2000 रुपए सस्ता मिल रहा है। बाजार का यह चलन बढ़ती तस्करी की गवाही भी दे रहा है। भोपाल में 9 मार्च को लगेगी लोक अदालत। 80,000 प्रकरणों का होगा निपटारा। जिले में वर्ष की पहली लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इसके लिए 62 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें लगभग 80,000 प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। गौरतलब है कि जिले के सभी तरह के न्यायालयों में जमीन जायदाद, घरेलू विवाद और नगर निगम, राजस्व व विद्युत विभाग के कर वसूली प्रकरणों समेत 135,352 प्रकरण लंबित हैं। ग्वालियर में कॉलेजों के दस्तावेज सही तो बिना निरीक्षण के मिलेगी संबद्धता। जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा तमाम आपत्तियों के बाद विलोपित कर दिया गया। अशासकीय महाविद्यालय संघ के पत्र की मांग पर कार्य परिषद के एजेंडे में कॉलेजों के बिना निरीक्षण के आगामी 3 साल की संबद्धता देने की मांग को खारिज कर दिया गया। पहले इसे बैठक में रखा गया, लेकिन जब कार्य परिषद सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तो बैठक के अध्यक्ष ने पद को विलोपित कर दिया। ग्वालियर में मॉड्यूलर ओटी बनकर तैयार, ताला खुलने का इंतजार। जिला अस्पताल में मॉड्यूलर ओटी बनकर तैयार है, लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा सुपुर्द नहीं किए जाने से ओटी पर ताला लटका है। अस्पताल प्रबंधन भी इसे लेकर इसलिए सुस्त है कि उसके पास ओटी संचालन के लिए स्टाफ नहीं है। ऐसे में अस्पताल में एक ओटी होने के कारण ऑपरेशन में दिक्कत होती है। मॉड्यूलर ओटी शुरू होने पर कम समय में अधिक सर्जरी चिकित्सक कर सकेंगे। अस्पताल के द्वितीय तल पर बने मॉड्यूलर ओटी की खासियत है कि यहां कम समय में अधिक सर्जरी हो सकेंगी। क्यूएट एग्जाम इंदौर, फॉर्म में इंदौर भोपाल भरा। मिला कोटाजपुर और मुंबई में सेंटर केंद्रीय व राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर 11 मार्च से 28 मार्च के बीच होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG रखी है। इन दिनों परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं, मगर कुछ विद्यार्थियों ने सेंटर आवंटन की प्रक्रिया में गड़बड़ी बताई है। विद्यार्थियों का आरोप है कि फॉर्म में जिन शहरों में सेंटर का नाम उल्लेख किया था, उसकी बजाय अन्य राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। मामले में छात्र छात्राओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिकायत दर्ज की है, क्योंकि इन्होंने विश्वविद्यालय से संचालित 43 PG पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर रुचि दिखाई है। रतलाम मंडी में 3823 रुपए क्विंटल बिका उच्च क्वालिटी का लोकवन गेहूं। पहली बार मिली इतनी कीमत। इन दिनों महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। वहीं गेहूं नीचे में 2300 तो ऊंचे में 3200 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। गुरुवार को मंडी में लोकवन गेहूं रिकॉर्ड 3823 रुपए क्विंटल में बिका। उक्त गेहूं बेदाग होकर उसका एक एक दाना चमकदार होकर एक जैसा था। सबसे बेहतर क्वालिटी होने के कारण उसके इतने ऊंचे दाम आए हैं। मंडी में गुरुवार को 11924 क्विंटल गेहूं बिका।
करीब 40 क्विंटल गेहूं की एक ट्राली में सबसे अच्छी किस्म का गेहूं किसान रतन निवासी ग्राम झर संदल लेकर आए थे, जिसे व्यापारी पंकज जैन ने सबसे ऊंची बोली लगाकर 3823 रुपए क्विंटल में खरीदा। कृषि में महिलाओं को अब भी नहीं मिला अधिकार, किसान की बजाय माना जा रहा श्रमिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया FSII और फोरम फॉर इंडियन जर्नलिस्ट्स ऑन एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर फिजीहा द्वारा आयोजित विशेष कार्यशाला ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर वीमेन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ में वक्ताओं ने महिलाओं किसानों को प्रौद्योगिकी से समृद्ध करने पर बात की। चर्चा में मालवा निमाड़ क्षेत्र की महिला किसानों ने खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने कहा कि इनपुट, बाजार, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और ऋण तक सीमित पहुंच के साथ साथ भूमि पर मालिकाना हक और कम आय जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय कृषि में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत, प्रौद्योगिकी जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच में सुधार और महिलाओं के अमूल्य योगदान को स्वीकार करके ही एक अधिक समावेशी एवं स्थायी कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकता है। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर सहित कुबेरेश्वर में उमड़ी भक्तों की भीड़। हेमा मालिनी ने भी किए बाबा महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शहर पहुंच रहे हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, भोपाल के करीब भोजपुर शिव मंदिर, ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर और इंदौर के देवगुराया मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है। कचनार सिटी में विराजे 76 फीट ऊंचे महादेव को देखने खिंचे चले आते हैं लोग। विजय नगर क्षेत्र के अंतर्गत कचनार सिटी के बड़े महादेव की प्रतिमा देखने लोग अनायास ही चले आते हैं। कचनार सिटी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस रमणीय स्थल पर खुले आसमान के नीचे भगवान शिव की खूबसूरत करीब 76 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। ध्यान मुद्रा में बैठे शिव की प्रतिमा के सामने ही उनके सेवक नंदी भी बड़े स्वरूप में खड़े हैं। भगवान जहां विराजमान है उनके नीचे गुफा बनाई गई है। गुफा के अंदर 12 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप हैं। आज केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% कर सकती है मोदी सरकार। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि गुरुवार शाम होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। इसका लाभ 48.67 लाख केंद्रीय कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया गया था। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ता शिकायतों का अंबार, प्रदेश के 5.44 लाख लोगों को मदद का इंतजार। मध्य प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण एक फोन कॉल पर तत्परता से किए जाने की मंशा के साथ 10 वर्ष पूर्व जुलाई 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 55 जिलों के कुल 5,44,032 लोगों को लंबे समय से शिकायतों के निराकरण का इंतजार है। दरअसल ये वो शिकायतें हैं जो विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब यहाँ वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी वजह से लंबित शिकायतों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंदौर में महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे प्रदेश भर के पहलवान। इंदौर में कुश्ती का पुराना इतिहास रहा है। शहर के पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा की शुरुआत की गई। हालांकि बीच के वर्षों में यह स्पर्धा विभिन्न कारणों से संभव नहीं हो सकी थी और पिछले वर्ष से यह सिलसिला दोबारा प्रारंभ हुआ था। स्थानीय छोटा नेहरू स्टेडियम में होने वाले दंगल में इस बार कई बदलाव नजर आएंगे। आम तौर पर इस कुश्ती स्टेडियम में मुकाबले लाल मिट्टी से तैयार विशेष एरिना में कराए जाते हैं। पिछले साल भी इसी एरिना में मुकाबले हुए थे, मगर इस बार सभी मुकाबले मैट पर कराए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मैट पर ही होती है। होली पर रेलवे ने दी राहत, जबलपुर दानापुर जबलपुर के मध्य चलेगी स्पेशल। होली पर ट्रेनों में भीड़ से राहत देने के रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। जबलपुर और दानापुर के बीच स्पेशल 2 टिप ट्रेन को चलाया जाएगा। यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर से प्रस्थान कर सिहोरा रोड, कटनी, मेहर एवं सतना स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे। दिशाओं में सिहोरा रोड, कटनी, मेहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन,
बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी।